शहर में स्थित पुलिस लाइन के पास तार ऑफिस के पीछे एक घर में घुसकर क्षेत्र के ही कुछ दबंगों ने घर में अकेली महिला के साथ मारपीट व अभद्रता करते हुए पैसों की मांग की और घर में तोड़फोड़ कर फरार हो गए, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पीड़ित महिला ने बताया कि तोड़फोड़ करने आए दबंगों ने कहा कि यदि उनको पैसा नहीं दिया गया तो रोजाना तोड़फोड़ की जाएगी। पीड़िता ने बताया कि इसकी शिकायत पुलिस में की गई, लेकिन पुलिस के द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तार ऑफिस के पीछे मेरे पति और मैं, मेरी बच्ची, मैं अकेले थी, सास ससुर और मैं अकेले थी। मैं काम करने जा रही थी, उतने में राजेश भवन का लड़का यश भवन आया और तोड़ फाड़ करने लगा और कुछ अज्ञात लड़कों के साथ आए और मेरे कपड़े में हाथ डाला और मेरा मंगलसूत्र 5,000 का गुम गया और मेरी बच्ची को कचरा और मेरे को बेतरीके से लात जूते मारा और मेरे पति की टी शर्ट और नकोट लिया, बहुत सारी। कौन होंगे वो लोग? ये यश टोरिया में रहता है, यश भवन और राजेश भवन और गीता भवन। गीता भवन और राजेश भवन दोनों पति पत्नी खड़े होकर बोलते हैं, पैसा नहीं दोगे तो ऐसी लात जूते से मारेंगे, चाहे बेटी हो चाहे वो। पुलिस लाइन में दौड़ा दौड़ा के मारेंगे और तेरी बेटी और तेरे को रात पे गलत करेंगे और तेरे को उठा के ले जाएंगे। और मेरे कपड़े फाड़ा है, मेरे को बहुत लात मारा, जूते मांग के दिया है। पुलिस में शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, न कोई इंसाफ मिल रहा है। पुलिस वाले लोग बोलते हैं आज नहीं कल नहीं, कल ढूंढेंगे, और न उनके माँ बाप को उठा रहे हैं और इनके कुछ रिश्तेदार हम लोग के ऊपर हैवी होते हैं।